नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, लगातार दो दिनों से पूरे भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक हर जगह हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। और फिजाओं में हर तरफ रंग बिरंगे कलर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। होली के पहले दिन सभी ने अपने अपने तरीके से हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया। बांदा के अवस्थी पार्क में योग गुरु प्रकाश साहू की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें योग साधकों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग, महिला पुरुष बच्चे सभी शामिल हुए और इस होली में गुलाल और अबीर के साथ साथ फूलों की होली खेली गई। इस होली में शहर के तमाम लोगों के साथ साथ सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी भी शामिल हुए। हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अपने अपने तरीके से होली की मस्ती में चूर नजर आए। होली के दूसरे दिन बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर भैया दूज मनाया और इसके बाद दूसरे दिन भी दिन भर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधायक जी, यहाँ प्रकाश साहू जी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी होली मिलन समारोह किया गया, इसमें शामिल हुए हैं सभी राजनीतिक दलों के और सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे आयोजनों पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व, रंगोत्सव के इस पर्व पर मैं देख रहा हूँ कि बांदा नगर के सभी संभ्रांत लोग इस पार्क में आज होली खेल रहे हैं। और साथ ही साथ ये योग परिवार, योग गुरु श्री प्रकाश साहू जी और उनकी पूरी टीम, अवस्थी पार्क में प्रतिवर्ष इस रंगोत्सव होली मिलन का कार्यक्रम करती है, जिसमें बांदा आसपास के सभी, मैं कहूँ कि खासतर योग प्रेमी इस रंगोत्सव में भाग लेते हैं और वर्ष भर के इस वार्षिक त्यौहार रंगोत्सव को दिल से खूब हर्षोल्लास के साथ इस होली। नाम है आपका? साधना चौहान नाम है हमारा। और मैं भी यहाँ श्री प्रकाश साहू जी की तरह ही योग सिखाती रही हूँ और प्रकाश साहू जी के सानिध्य में यहाँ पे बरसों से योग शिविर चल रहा है और यहाँ पर हर साल होली महोत्सव का आयोजन होता है और जिसमें कि सभी बांदा के, हर धर्म के, जाति के सभी लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्व प्रेम पूर्वक होली मनाते हैं, जिसमें ना कोई बड़े छोटे का, ना धर्म का, ना जाति का कोई भी बंधन नहीं है। सब लोग बढ़िया योग
प्रेमी योगी प्रेमी सभी लोग इकट्ठा होते हैं और होली मनाते हैं। इसमें हमारे बांदा में जो महिलाएं हैं कभी निकल नहीं पाती, घरों से बाहर नहीं आती, घरों में ही रहती हैं, उन वो सभी इकट्ठा होके इसी बहाने इकट्ठा होती हैं, सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए होली मनाती हैं और हर्षोल्लास के साथ गुजिया नाश्ता सभी करते हुए एक दूसरे के गले मिलते हुए होली महोत्सव सम्मिलित होती है एवं सभी खुशी खुशी सभी लोग खुशी खुशी प्रेम पूर्वक हंसी खुशी अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल हमारे ऐसे ही प्रेम पूर्वक होली समारोह चलते रहें और सभी लोग इसी तरह मिलते जुलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये है पतंजलि योग प्राणायाम केंद्र योग परिवार की ओर से हर साल सबके सहयोग से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुद्ध फूलों की और गुलाल की होली खेली जाती है। यहाँ पर बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, सम्मानित दलों के लोग बाग आते हैं और सब एक दूसरे से गले मिलकर, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, यहाँ सब एक दूसरे से गले से मिलते हैं, अच्छी होली होती है। ये हर साल इसी तरह सबका मन सहयोग साथ मिलता रहेगा, ये होली कभी बंद नहीं होगी। लगातार कई वर्षों से ये होली चली आ रही है। जो लोग समाज में नफरत की राजनीति कर रहे हैं या इस तरह के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं आप सौहार्द को कायम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? योग का मतलब होता है जोड़ना। हम योग के माध्यम से, चाहे वो हम योग प्राणायाम लोगों को कराएं, शरीर स्वस्थ बनाएं, हम उनको सबको जोड़ते हैं। यही एक अभियान लेकर सबके सहयोग से पहले छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ता गया। हम किसी को भी इसमें परहेज नहीं है, हम सब दल के लोगों को बुलाते हैं, हमको दल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सपा वालों को बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं, बीजेपी को बुलाते हैं, कोई भी दल का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको हम बुला के गले लगाते हैं। इसलिए हमने कहा कि सबके सहयोग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम होली खिलवाते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई नशा पत्ती नहीं, कोई यहाँ पर हमारे पास नशा करके नहीं आ सकता है, ना ही हम किसी को उसमें भांग मिलाने देते हैं। कोई बहुत से लोग कहते हैं भैया भांग मिला दो, नहीं, इसलिए कि हमारी बहनें भी आती हैं जो शुद्ध रूप से वो अलग अपनी होली खेलते हैं, पुरुष अपनी जगह अपनी होली खेलते हैं। और ये आप लोगों का अगर सहयोग बना रहा तो ये निरंतर इसका वो बढ़ता जाएगा दायरा जो है।